बचपन में ना सभी को शौक होता है बारिश में नहाने का, बारिश में घूमने का और एंजॉय करने का। जब हमारा स्कूल टाइम था तो हमने ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ा था कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो उस जगह का नाम आता है चेरापूंजी। तो हम जब चेरापूंजी पहुँचे तो हमें पता चला कि चेरापूंजी अब भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान नहीं रहा है और अब मौसिनराम ने वो जगह ले ली है। तो इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए कि यार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो उसी चीज़ को देखने के लिए हम मौसिनराम के लिए निकल पड़े। मेरे सामने ना कैमरा चालू है और आप विजिबिलिटी देख रहे हो, अभी मैं कैमरे में लाइव हूँ लेकिन आपको दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अब देखो आपको मैं दिखने लगूंगा। तो इस टाइप की विजिबिलिटी है यहाँ पर, कुदरत का वरदान है कि ये प्लेस हमें भारत के पास में है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन में आपका स्वागत है और मैं हूं अभी इस समय चेरापूंजी में। कल हम होके आए थे डबल डेकर ब्रिज पे और आज हम जाने वाले हैं मौसिनराम, इंडियाज़ वेटेस्ट प्लेस पे। और आप मेरे पीछे ना मौसम देख सकते हो, कंटिन्यू 3 दिन से बारिश हो रही है इस खासी हिल पे। तो हम सोच रहे हैं कि कैसे वीडियो बनाया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन रहा है और कुछ देर के लिए मौसम को क्लियर कर देता है जिस टाइम पे हम हमारा शूट कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखते हैं आज कैसा दिन रहता है। जो दिल्ली की बारिश है ना, उसकी साल भर की बारिश उसके एक दिन की बारिश के बराबर है। तो उस तरीके के जो रिकॉर्ड्स है वो दर्ज कराया हुआ है। देखेंगे वहाँ की लाइफ स्टाइल और देखेंगे वहाँ के फूड कल्चर एंड एक्सेट्रा। और अभी मौसम बहुत ख़तरनाक हुआ पड़ा है और मेघालय गवर्नमेंट का यहाँ पे मोबाइल पे हमें मैसेज भी आया है कि 3 घंटे में बहुत हैवी रेनफॉल होने वाला है और स्टॉर्म आने वाला है। तो देखते हैं, सामना करते हैं उस स्टॉर्म से और हैवी रेनफॉल से। ये है वो डायना होम स्टे जिसमें हमने 1500 रुपये में 2 जने रुके थे और खाना भी अच्छा है, ठीक है, दाल रोटी आलू भाजी हमने खाई थी, हम वेजिटेरियन है। तो इस तरीके का ये होम स्टे है और यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसी भी होटल किसी भी होम स्टे में जाओगे, सस्ता हो चाहे महंगा हो, लेकिन क्लीननेस मिलेगा पूरा, आपको सफाई बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। तो आप यहाँ पर कहीं भी रुक सकते हैं, सस्ता महंगा कैसा भी होटल ले सकते हैं। ये है इसका फ्रंट व्यू और ये यहाँ पर एक छोटी शॉप है और बाकी यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ है तो मुझे निकलना पड़ेगा अभी। अब चेरापूंजी से मौसिनराम की जो दूरी है वो तकरीबन 40 किलोमीटर है बाई रोड। अब अगर हम ड्रोन उड़ा के देखते हैं मौसिनराम और चेरापूंजी को, तो जो हिल्स है उसके बीच में एक खाई है, या खाई बोल सकते हो, या फिर हिल्स का जो एंड हो रहा है, एक हिल्स का एंड हो रहा है, उससे दूसरी हिल्स की जो दूरी है अगर ऊपर से देखा जाए चेरापूंजी और मौसिनराम की, वो 15 किलोमीटर है। बाई रोड अगर जाते हैं तो अपन 40 किलोमीटर के आसपास वो दूरी पड़ती है। लंच करने के बाद हम निकल रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ। होटल से निकलने के बाद हमने लंच किया है, लंच सॉरी ब्रेकफास्ट किया है, जिसमें यहाँ के एक लोकल होटल पे छोले भटूरे खाए। बहुत जेन्युइन रेट है, बहुत अच्छा खाना है। और अभी देखो बारिश ना थमने का नाम नहीं ले रही है और काफ़ी, और हवा भी चल रही है और बारिश देखो आप। यहाँ पर ना पाइनएप्पल की खेती होती है और पाइनएप्पल्स के पेड़ मैंने देखे थे जब मैं डबल लिविंग रूट ब्रिज जा रहा था। तो हर घर में पाइनएप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे बड़े, और अपने आप पाइनएप्पल हो जाते हैं यहाँ पे। और अभी हम पाइनएप्पल खाएंगे और 60 रुपीज़ का एक फुल पाइनएप्पल मिलता है और उसके पीसेस करवाए जा रहे हैं अभी, देखते हैं मीठा है या खट्टा। और अभी हम मौसिनराम से 13 किलोमीटर दूर रह गए और यहाँ से आप देख रहे हो बादलों की जो गहराई है ना, वो देख रहे हो कितने घने बादल हैं। आगे रोड पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इवन डिस्टेंस विजिबिलिटी 100 एंड 150 मीटर के आसपास है बस, दैट्स इट। 100 मीटर भी शायद आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा है।
20-30 मीटर विजिबिलिटी है और लाइटें यहाँ पर ऑन हो चुकी हैं। तो ऐसा है कुछ मौसिन राम, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और विजिबिलिटी अब हो चुकी है 20 मीटर के आसपास, 20 मीटर से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मौसिन राम यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है और रास्ते में मिला है गजब का वाटरफॉल। ना ही ड्रोन उड़ पाएगा ना कैमरा चल पाएगा, तो सो मैं सिर्फ अपने गिम्बल से ही इसको शूट कर रहा हूँ। छतरी लेके शूट करना पड़ रहा है मुझे। ये 1 story and 2 story वाटरफॉल, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। और पानी का बहाव बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज। ओहो हो। और मेरे आसपास देखो ये वाटर फ्लैक्स, कितनी ज़बरदस्त वाटर फ्लैक्स आ रही है, अमेजिंग अमेजिंग। हाँ, मैं भीग चुका हूँ पूरा, क्योंकि वाटर फ्लैक्स और बारिश की वजह से, बारिश काफ़ी तेज़ है और कैमरे को भी खतरा है, तो मुझे निकलना पड़ेगा मौसिन राम में। चलो मिलते हैं वहाँ पे। नोप, ओके। जब पूरे दिन बारिश होती है और पूरी रात बारिश होती है, तो वहाँ के जो लोगों का काम करना मुश्किल हो जाता है, वो अपना रेगुलर काम नहीं कर पाते। तो इस वजह से उन्होंने एक तरीके का छाता टाइप में, जिसे बोलते हैं कनूप बोलते हैं, वो बनाया और जिसको सर पे रख के और वो काम करते। अब ये जो कनूप है ना, ये बांस की पतली पतली स्ट्रिप्स से बनाया जाता है और उसके बीच में कुछ त्रिपाल टाइप में या फिर कुछ पॉलिथीन या फिर छाते का जो कपड़ा होता है वो लगाया जाता है। और इसको किसी हाथ से पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सर पे रखा और अपना काम करते रहो। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मौसिन राम और एक होम स्टे के पास में हैं। पूछते हैं इनसे कि रूम वगैरह है या नहीं है, क्या रेट है। और आप मेरे पीछे मौसम देख सकते हो यार, हा, बादलों के बीच में से आए हैं हम और बादलों के बीच में ही हैं, और एक नाइट हम इन्हीं बादलों के बीच में वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस पर रहेंगे और यही है वो होम स्टे। तो अंदर चल के पूछते हैं एक बार रूम्स वगैरह हैं या नहीं। बड़ा खतरनाक मौसम है और बादल ना ऐसे टकरा टकरा के मुझे पास करके जा रहे हैं यार। ऐसी फीलिंग, ऐसा जगह है मैंने फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। एनीबॉडी इज देयर? लगता है कोई भी नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। ओहो हो, इधर भी कोई नहीं है। कोई है या नहीं है, आई डोंट नो। हेलो, एनीबॉडी इज हियर? हेलो, रूम्स हैं? होम स्टे पे। अच्छा, वो ओके, ये दिस इज होम, ओके थैंक यू, सॉरी। मॉनसून सीजन में ठंड का एहसास हो गया यार। ये है वो होम स्टे, आई थिंक कोई है या नहीं, आई डोंट नो, बट होना चाहिए कुछ ना कोई, ना कोई तो। इंडियाज वेटेस्ट प्लेस, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। हेलो, एनीबॉडी इज हियर? रूम्स अवेलेबल? Hello. Hello. How are you? Good. What is your name? Sorry? My name is Dhawan Brang. Dhawan Brang. Okay. This is room? Okay. What is your name? Huh? What is your name? My name is Shailendra. Yeah. Oh. I am from Rajasthan. तो अभी इन्होंने ना हमें रूम दिखाया है और रूम है कुछ इस टाइप से, और इसके जो चार्जेज है वो है 2500 प्लस 300 एक्स्ट्रा मीटर्स के। ये रूम तो है काफ़ी बड़ा, किचन वगैरह है, तो ये होम स्टे ही है, इनका घर जैसा ही है ये। और ये एक यहाँ पर वॉशरूम है,
सब्सक्राइब माय ब्रदर्स चैनल। फाइनली हमने रूम ले लिया है यहाँ पर, 2500 का रूम है प्लस 300 एक्स्ट्रा चार्जेज है। तो हमारा गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भी रुकने वाला है हमारे साथ में, तो चलते। और बारिश ना बहुत ज़ोर की बहुत तेज़ आ रही है यहाँ पे, काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश। और मेघालय गवर्नमेंट का अलर्ट भी आया था कि 3 घंटे बहुत तेज़ बारिश है, तो उसी वजह से। और वैसे भी हम यार वर्ल्ड्स के वेटेस्ट प्लेस पर हैं, तो बारिश तो होना लाजमी है कि यहाँ पर इतनी बारिश होगी कि कोई अंदाज़ा नहीं है। जल्दी चलना पड़ेगा, मेरा बैग भीग गया सारा। नो 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 नो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, एक और नए दिन में आपका स्वागत है। और हम हैं अभी वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस पे मोहसिन राम पे। और अभी हम पे ना, हमें 5 मिनट का मौका मिला है सिर्फ गाड़ी से सामान रखने का। हम कल आए थे शाम को 5-6 बजे और एक होम स्टे में रुके थे और इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुक जाए किसी तरीके से, तो हम शूट कर सकें यहाँ के लोकल्स का और कल्चर का और फूड का और लोगों का और जगह का। लेकिन हमें बारिश मौका नहीं दे रही है, कल से ही बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। बादल अभी भी हमारे पास में ही हैं और यार बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे। हम तो सोच रहे हैं कि हम एक दिन के लिए आए हैं यहाँ पे और उसमें ही हमारा सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन आप देखो सुबह के बजे हैं 11 और अभी भी हालत ऐसी है जैसी कल थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और बारिश का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, कब ज़ोर से आ जाए। बस अभी ये 2 मिनट का मौका दिया है इस बारिश ने। ये हमारा होम स्टे था जो कि 2500 रुपये हम 3 जने रुके थे। अब बात आती है कि मोहसिन राम में इतनी बारिश क्यों होती है, तो उसका रीज़न है कि मोहसिन राम के पास में मेघालय के पास में पड़ता है प्लेन एरिया में बांग्लादेश, जस्ट पास में पड़ता है, उससे आगे पड़ता है वे ऑफ बंगाल और हमारा जो समुद्र है वो बंगाल की खाड़ी है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जब वे ऑफ बंगाल में मानसून बनता है, मानसून की हवाएं चलती है और बादल अपने साथ लेके आती है, तब सबसे पहले पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पड़ती है और वहाँ पर पड़ता है मोहसिन राम। अब मोहसिन राम एक पठार है जहाँ पर बादल ना अपना ब्लॉक बना लेते हैं और उन बादलों को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती और वो बादल ना वहीं पर ठंडे होकर बरस जाते हैं। इस कारण से मोहसिन राम की 70% बारिश मानसून के सीज़न में ही हो जाती है। लेकिन अभी हम जाएंगे उस बोर्ड पर जहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, क्योंकि वही हमें अचीव करना है, तो कोशिश करते हैं वहाँ तक जाने की, देखते हैं पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं, बारिश क्या रहता है हमारा। ओके, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ चुकी है, फंस चुके हैं हम लोग। मॉनसून सीजन में इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के कारण भी वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो कंटिन्यू चलते हैं और बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। वहाँ पर बच्चों के पास में बैग के साथ साथ में हर हाथ में एक छाता होता है। Where is the board, sign board? It will be on the left side, you will see it. Okay. Hello. मोहसिन राम द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, और ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये PWD का ऑफिस है, चारों तरफ यहाँ पे PWD का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ही यहाँ लगाया हुआ है। यार यहाँ पर ना मेरे पीछे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ये बहुत ही सुंदर वैली है और बहुत ही सुंदर पठार है, उसके पीछे बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है, लेकिन अभी इस टाइम पे विजिबिलिटी, मैं कह रहा हूँ 20 मीटर भी विजिबिलिटी नहीं है। हमारी कार दिख रही है आपको, बस उससे आगे देखो आप, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की विजिबिलिटी है क्योंकि बादल ना हमारे आसपास चारों ओर मंडरा रहा है और कोई भरोसा नहीं बारिश कब हो जाए, हमें शायद वो गाड़ी तक जाने का मौका भी ना मिले, इतनी तेज़ बारिश होती है एक बार में यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं इस अनोखे प्लेस पे, और अभी आप मेरे पीछे देखो बादल। और 3 दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ बारिश थम जाए तो कुछ अच्छे शॉट्स ले सके। यहाँ की एक दिन की बारिश ये मान लो कि आप दिल्ली की पूरे साल भर की बारिश के बराबर है या अपने अपने शहरों के साल भर की बारिश के बराबर है। यहाँ पर ना ये प्लेस बनाया हुआ है और यहाँ पर ये बोर्ड भी जो लगा हुआ है ना, और यहाँ पर लगा हुआ है बारिश नापने के लिए कुछ यंत्र लगा रखे हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इनको,
ये है इस टाइप का, तो यहाँ से बारिश पड़ती है और एक इस पाइप में इसमें जाती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी बारिश हुई है यहाँ पे। और अभी सिर्फ हमें 5 से 10 मिनट का इस बारिश ने मौका दिया है कि आप जाके शूट कर लो। तो इस तरीके का ये प्लेस है और हम गवाह हैं आज इस चीज़ के कि हम यहाँ पर हैं। मेघालय इतना खूबसूरत राज्य है। मेरे सामने ना कैमरा चालू है और आप विजिबिलिटी देख रहे हो, अभी मैं कैमरे में लाइव हूँ लेकिन आपको दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन अब देखो आपको मैं दिखने लगूंगा। तो इस टाइप की विजिबिलिटी है यहाँ पर, कुछ दिखा अब तो आप देखो 10 मीटर भी मेरे को नहीं लगता कि विजिबिलिटी आ रही है यहाँ पर। तो यार ये इस टाइप का प्लेस है और सबसे बड़ी बात कुदरत का वरदान है कि ये प्लेस हमें भारत के पास में है। बेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, क्या नेचर है। वाओ साल भाई फोन बनी।